शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरा एक फ्रेंड है, वो कुछ दिन के लिए हमारे घर रह सकता है। तुम्हारा अपना घर है, बुला लो उसे, कोई बात नहीं। कुंदन, तुम्हारी हिम्मत कहते हो हमारे घर में आने की? हमारे परिवार से दूर रहो, वरना हम पे बुरा कोई नहीं होगा। हमसे बुरे तो आप है भी नहीं। जरूर जरूर भागे, बाल बाल रोशनी तो आज तो पकड़े जाते। नेक्स्ट टाइम चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी आशी को छूने की? कैसे कैसे? बस कहे थे ना आपसे कि आपका गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। पैसे मांगे थे ना आपसे, अब घर और घर वालों को बचाना है तो 5 लाख। समझे या समझाएं अभी? और हाँ, हम UPI भी एक्सेप्ट करते हैं। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं जानता। आप कुछ भी कीजिए, सिक्योरिटी और बढ़ाइए या नए गार्ड्स हायर कीजिए, लेकिन मुझे फुल प्रोटेक्शन चाहिए। और एक बात बताइए, नाइट गार्ड्स के होते हुए घर में ऐसे कैसे कोई घुस सकता है? हाँ जी, ओके। बेचारा सिंह, इसे क्या पता, इसका वो अंधेरे का राजा इसके साथ खड़ा है और ये उसे घर से बाहर ढूंढ रहा है। अरे सिंह बेटा, आओ आओ भाई, हमने ना तुम्हारे आने की खुशी में शाम को एक दावत रखी है, तो अगर तुम्हें किसी दोस्त को बुलाना है या दोस्तों को बुलाना है, बुला लेना। जी माँ जी। देखो ये लिस्ट तैयार की है हमने। सिट, चले। अरे कुंदन बेटा, एक ना हमारी बेटे के साथ एक अच्छी सी फोटो खींच देना। हाँ, हमें फ्रेम करवानी है। एक मिनट, ये लो। अभी खींच देता हूँ। आओ ना। चल अब एक काम कर ले, थरा चल रेडी। माँ एक सेकंड, रुको रुको। अरे क्या हुआ? पूरी फैमिली की फोटो ले लेते ना। अरे वालों तो आ जाइए, विद्या दी आ जाइए ना। बाबा बाबा जल्दी आओ, जल्दी आओ, फैमिली फोटो दी। आओ ना, सबकी फोटो खींच लेते। आओ ना बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो खींचे। हमें हमारे बेटे के साथ फोटो खींचनी थी, सब आ गए। फैमिली फैमिली फोटो, चलो अच्छी सी बढ़िया सी फोटो। एक मिनट आशिका, आजी आओ बेटा, इसके बिना हमारी फैमिली अधूरी है। चलो आओ इधर, चलो चलो चलो, यहाँ आओ सेठ के पास। चाहेंगे तुम्हें हो गया आंटी। हाँ दिखाओ आंटी, क्या जबरदस्त फैमिली है, नजर ना लगे इस फैमिली को, है ना? माँ मुझे भी देखना है। ये तो बड़ी अच्छी फोटो निकाली है तुमने, क्या लग रहे हैं हम। वैसे तुम दोनों भी ठीक ठाक ही लग रही हो। माँ हमारा बेटा देखो क्या हैंडसम लग रहा है। अच्छा माँ, हाँ? मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। कुंदन, मुझे कंसाइनमेंट आने वाला था, आगे क्या? हाँ वो आने वाला है। सिट, ये तुम्हारा टिफिन। थैंक यू। कुंदन ये आपका। थैंक यू। सिट तुम्हारा जाना जरूरी है क्या? अगर जाना जरूरी नहीं होता तो कभी नहीं जाता, और वैसे भी तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सोसाइटी के सिक्योरिटी ऑफिस में बात कर ली है, वो लोग अब ध्यान रखेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो। और तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आशी, ऐसा फेस बना के रखोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? स्माइल प्लीज।
भाई आपको देर नहीं हो रही? जा रहा हूँ। अच्छा सुनो निधि, मेरे पीछे से आशी का ध्यान रखना, ठीक है? कुंदन चले। अच्छा ओए बिद्दी सुन, हम ना भाई के जैसे लवी डवी होके हक्षक करके तो तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, तो तुम्हें चलेगा ना? बताना मतलब निधि की बच्ची से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे, क्या मांग रहे? अरे अरे देख क्या 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 इसको देखिए, लड़कियां बहुत क्या। अरे अरे ये ऐसे बस, ये क्या कर रही हो तुम? घर की बहू हो ना, कुछ लाज शर्म है या नहीं है? मचा रखी है, यहाँ से कूद फांग रही हो, हटो। काकी सॉरी। सॉरी मूड खराब कर दिया हमारा। अमृता तुम ये आशी को लेके कभी कभी कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो जाती? हाँ तो क्या करें हम, घर की बहू है ना, घर की मान मर्यादा सम्मान का किसी भी चीज की कोई फिक्र है इस लड़की को? शर्म आती ही नहीं है। तुम तो घर जाने दो। हाँ अमृता, हम एक बात सोच रहे थे कि हम पंडित जी से फोन पर बात करते हैं सईद और आशी की शादी के लिए। शादी इतनी जल्दी? जल्दी क्या, अरे वो आशी कब से सिद्ध का इंतजार कर रही है, अब सिद्ध आ गया है तो अब उसका इंतजार खत्म होना चाहिए, शादी हो जानी चाहिए। एक मिनट, हेलो। हाँ पंडित जी, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमें अपने बेटे और बहू की शादी के बारे में बात करनी थी, जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, हमें उनकी शादी करनी है। वैसे तो आज से 3 दिन बाद ही एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बाकी हम पहचान देख के बताएंगे। क्या 3 दिन बाद? ठीक है पंडित जी, शाम को हमारी एक छोटी सी दावत है, आप आ जाइए, वहीं आराम से बैठ के बात करेंगे जी। 3 दिन अमृता 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त निकला। 3 दिन बाद? इतनी जल्दी? माँ मैं इतनी जल्दी इतनी शॉपिंग तैयारियां सब कैसे करूंगी? पापा थोड़े टाइम बाद तो मुहूर्त निकलवाइए ना प्लीज। हे भगवान, तुम्हारी शॉपिंग का तो हम देख लेंगे, तुम चलो हमारे साथ चलो। बाबा ये गुड न्यूज हम अभी आशी को बता के आते हैं। जा हमारे रहते घर में शादी की खबर और हम ही बेखबर। देखते हैं कैसे होती है ये शादी। तीन दिन में शादी? नहीं नहीं, मेरे होते हुए सिर्फ और आशी की शादी? नहीं नहीं, मैं नहीं होने दूंगी, मैं नहीं होने दूंगी, कुछ ना कुछ बड़ा सोचना होगा, कैसे भी करके इस शादी को रोकना होगा मुझे। क्या बात है, इतनी खुश? बात नहीं, सौगात मुझे मिलने वाली है। सौगात? कैसी सौगात? यस शादी की। बाबा की अभी-अभी बात हुई पंडित जी से और 3 दिन बाद तुम्हारी और कुणाल भाई की शादी का मुहूर्त निकला। ओहो मैडम, शादी का नाम सुन के शर्मा रही हो? क्या बात है क्या बात है। वैसे भी देख पंडित जी शाम को आने वाले हैं और बाकी सब कुछ फाइनल हो जाएगा, आशी की शादी होने वाली है। I'm so excited! अच्छा वो सब छोड़, सुनना हमें तुमसे कुछ बात करनी थी। वो माँ की बिहेवियर का तुम सॉरी यार। माँ जी तुम पागल हो गई है? तुम अच्छे से जानती हो और हम भी इस बात को समझते हैं कि काकी माँ हमारे लिए माँ समान है। माँ की बात का कोई बुरा मानता है क्या? नहीं। तो वो सब छोड़, इधर आ बैठ। ये बालों का क्या हाल बना के रखा हुआ है ना? खराब हो गया ना बाल, इसकी वजह ना सिर्फ तुम ही हो। बताओ कैसे? कैसे कुणाल भाई आई है बस उनके आगे पीछे रहती हो, हमारे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता। पहले तो हफ्ते में 2-2 बार मस्त हॉट ऑयल मसाज देती थी, अब देखो हम पे ध्यान ही नहीं है। बेचारे हम अभी भी करेंगे, उठो हम 2 मिनट में बस ऑयल लेके आते हैं, फिर तुम्हारी जादू वाली चंपी करेंगे। okay, ठीक है जा। आते हो
जब से मोहब्बत हो गई है ये दुनिया खूबसूरत हो गई है। तुम यहाँ? मेरा मतलब है इतने जल्दी आ गए? हाँ, वो जिस मीटिंग के लिए गया था वो कैंसिल हो गई, तो बस वापस आ गया तुम्हारे पास। तुम्हारी याद जो आ रही थी। सिन। अरे आशी, आशी संभाल के, आशी आशी। यू आशी, बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों की नजरों में आसमान चढ़ने का। अब देखो कैसे मैं तुम्हें सबकी नजरों में गिराती हूं। तुम्हारा क्या होगा आशी? पिछली बार तो तुम इस तेल से बच गई, लेकिन इस बार क्या करोगी तुम? हाँ, जो भी इन सीढ़ियों से गिरेगा उसका नाम तुम पर आएगा। अब आएगा मजा। हे भगवान, राम जी। माँ, क्या हुआ? हमारा पैर। ओह गॉड, अमृता आंटी, ये सब कैसे? आप गिर कैसे गई? काकी, काकी, मॉम, आप ठीक हो? बहुत दर्द हो रहा है, मैं बहुत दर्द। इनको बिठा देते हैं उधर। हाँ, माँ, क्या आराम से? माँ उठिया, संभाल के। आराम से, आराम से। संभाल के माँ। तू हट परे। अमृता, ये सब क्या हुआ? वो अमृता आंटी सीढ़ियों से फिसल गई। ऐसे कैसे फिसल गई माँ? पता नहीं कैसे फिसल गए। हम नीचे आ रहे थे, शायद पैर के नीचे कुछ आ गया था और हम फिसल गए ऐसे। हाँ, हम दोनों भी जब आ रहे थे तो फिसलने वाले थे, पर संभाल लिया एक दूसरे को। अब विद्या, जाओ ऑइंटमेंट लेके आओ। जी बाबा। ज्यादा पेन हो रहा है? हाँ, थोड़ा सा तो हो रहा है। ओह, तो अमृता आंटी तेल पे स्लिप हुई थी। देखो वहां सीढ़ियों पर कितना सारा तेल गिरा हुआ है। लेकिन सीढ़ियों पर तेल कैसे आया? हाँ आशी, तुम तेल लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी ना, हो सकता है फिर आशी से ही गिर गया। नहीं नहीं, हमने कोई तेल नहीं गिराया। तुम तेल लेकर ऊपर जा रही थी या नहीं? काकी, वो हम बस। क्या काकी, हम वो ना वो क्या? तेल लेकर ऊपर जा रही थी या नहीं? हाँ काकी, हम गए थे। तो तुमने हमें गिराने के लिए सीढ़ियों पर तेल गिराया? अमृता, ये क्या बोल रही हो? वो तेल क्यों गिराएगी? वो ऐसा क्यों चाहेगी? हाँ माँ, गलती से गिर गया होगा। आशी ने जानबूझकर नहीं किया होगा। क्या गलती से? जानबूझ के किया है इसने। हमने अभी डांट लगाई ना उसे, बस उसी का गुस्सा निकाल रही थी। क्या सोच बना रखी तुमने? काकी, आप गलत समझ रहे हैं। हम कभी सपने में भी आपको तकलीफ पहुँचाने की कोशिश नहीं कर सकते। चुप कर, बंद करो अपना ये नाटक। सपने में भी नहीं सोच सकते, सब कुछ पता है हमें, तुम्ही ने किया ये सब। माँ प्लीज, आशी आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी गलत नहीं कर सकती। हाँ हाँ, बहुत जानने लगा है ना तू आशी को। आप लोग सब जाओ यहाँ से, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सब लोग जाओ, अकेला छोड़ दो हमें। रह लेंगे हम अकेले।
तो छोड़िए सब, मत कर नाटक। माँ सब जानते हैं हमें अकेला छोड़ दो, कहाँ ना हमने। नहीं छोड़ूंगा माँ, हो आप मेरी, कहीं भी चला जाऊं कुछ भी करूं, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। क्या बोल रहे हो तुम, इतने सालों बाद हमारे पास आए हो, ऐसी बातें मत करो। ठीक है माँ, नहीं कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो आपको नहीं पसंद, लेकिन माँ इतना जरूर कहूंगा, जितना आप तड़पी हैं मेरे लिए उतना मैं भी तड़पाऊं आपके प्यार के लिए। आई लव यू माँ। माँ मैं आशी की साइड नहीं ले रहा था, मैं बस इतना कह रहा था कि उसने जानबूझ के नहीं किया होगा। हाँ अगर गलती से उससे गिर गया तो प्लीज प्लीज उसे माफ कर दीजिए, मेरे लिए प्लीज। तू तो हमारी जान है। ठीक है मेरी ब्यूटीफुल माँ, अब इमोशनल होना बंद कीजिए, आज पार्टी है ना, तो आप पार्टी में प्रीटी एंड गॉर्जियस कैसे दिखेंगे। बचपन में ये मुझसे भिड़ जाता था, और ऑफ कोर्स जीता तो मैं ही था। ऐसा कब हुआ? नहीं तू भी जीता है, ज्यादा मैं जीता हूँ, है ना? विकास इसकी बातों पे बिल्कुल यकीन मत कर। हाँ बाबा वो क्या सरप्राइज था जो आप पार्टी में दिखाने वाले थे? एक मिनट, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाया। फ्रेंड्स, दोस्तों, सब यहाँ आइए, बच्चों आप लोग भी आओ, आ गया, एक सरप्राइज है, दिखा दे। ये अच्छा लगा सरप्राइज। पंडित जी कहां रह गए? फोन करता हूं उनको। कमाल है, पंडित जी ने फोन काट दिया। अमृता। हाँ जी। मैं तरफ पंडित जी को देख रहा हूँ, तुम सबसे बात की। जी जी। अरे मनोज सबके लिए जूस तो ला, जल्दी ले आओ। कितना सुंदर फोटो है ना ये। अमृता ये फैमिली फोटो तो काफी प्यारी है। हाँ और तुम्हारी किस्मत भी अमृता, आखिर तुम्हारा पूरा परिवार एक हो ही गया। पहले तुम्हारे साथ कोई नहीं था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, अब तो बेटा है। अच्छा तुझे चोट लगी थी ना, अब तो वो पूरा ध्यान रखता होगा ना तेरा। अरे ध्यान तो तब रखेगा ना जब अपनी बीवी से पल्लू छूटेगा। वो देखो अमृता, तेरा बेटा तो शादी से पहले ही बीवी का गुलाम बन गया। मुझे यहाँ बांध के रखा है? अरे मुझे यहाँ बांध के क्यों रखा है? चाहते क्या तुम? कौन हो भाई? पंडित जी कहाँ हैं? भाई मैं यहाँ हूँ, मुझे बांध के रखा। शाबाश। कोई भी नहीं है,
यह आवाज कहां से? हाँ हाँ हम समझ गए हैं, आप निश्चिंत रहिए काम हो जाएगा। अमृता कमाल है, पंडित जी फोन नहीं उठा रहे। नमस्ते। बैठिए। क्या अमित जी का घर यही है? जी अमित मैं हूँ, कहिए। हम हैं पंडित रामदयाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें भेजा है, हम उन्हीं के भतीजे। दरअसल एक जरूरी काम के चलते उन्हें शहर जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने हमें भेजा है शादी का मुहूर्त निकालने। हाँ पंडित जी, हमें अपने बेटे और बहू के लिए शादी का मुहूर्त निकालना है, आप देख के बताइए। वो पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि 3 दिन बाद शादी का मुहूर्त है, शादी हो सकती है ना? नहीं, आने वाले 1 माह तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं, और अगर ये शादी हुई तो बहुत ही बड़ा अपशगुन होगा। एक महीना? लेकिन पंडित दीनदयाल ने तो बताया था कि 3 दिन बाद शादी हो सकती है। चाचा जी ने पंचांग नहीं देखा था, कोई भी शुभ काम के लिए या शुभ कार्य करने के लिए ग्रहों की दशा मिलनी चाहिए, जो इस माह में नहीं है, इसीलिए 1 माह के बाद ही होगा जो कुछ होगा। अब हम चलते हैं। देखा आशी कैसे एक पल में तुम्हारी किस्मत पलट गई, अब देखना मैं कुछ ऐसा तूफान लाऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी। सिट पे तो सिर्फ मेरा ही नाम लिखा है, आई प्रॉमिस। तुम सिट की पत्नी बनके तो इस घर में कभी नहीं रह पाओगी। अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। राम जी करे कि ऐसा ही हो, हमारे साथ को अब किसी की नजर न लगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस आशी नाम के कांटे को अपनी जिंदगी से हटाना ही होगा। कितना काम करोगी? एक कॉफी ब्रेक तो बनता है।